बैंक ऑफ इंडिया ट्रैकिंग नंबर कितने दिन में प्रोवाइड करती थी कि सबसे पहले जो है आपका फोन नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, वो भी नया अकाउंट, पुराने अकाउंट जिनका है उनको जो है रिसीव नहीं होगा, यानी कि सितंबर के 2022 के बाद जिन्होंने भी एटीएम कार्ड अप्लाई किया है सेंट्रल मोबाइल बैंकिंग से किया है। लेकिन देखिए अगर ओल्ड रजिस्टर्ड है सेंट्रल मोबाइल बैंकिंग में तब आपका जो है ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आपका अगर पुराने 2022 के उधर के किए हुए या सितंबर के मतलब बाद के 2022 के सितंबर के 1 तारीख के बाद अगर आपने रजिस्टर्ड किया मोबाइल बैंकिंग से, उसके बाद डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई किया है, किसी भी डेबिट कार्ड के लिए वीज़ा कार्ड या रुपए कार्ड या आपको और रुपए सिलेक्टेड कार्ड होता है, ये 3 कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड भी होते हैं, इन तीनों कार्ड में से किसी कार्ड को भी अप्लाई किया तब आपके पास एक ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड होगा जो भी आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पे। हाँ अगर ये कुछ अगर टेक्निकल इशूज़ के कारण आपके फ़ोन पे नहीं आता है तो ये अलग बात है, लेकिन अगर आपके फ़ोन पे रजिस्टर्ड जो ट्रैकिंग नंबर होता है वो बैंक की तरफ से आपको 15 से 20 दिन के अंदर प्रोवाइड किया जाता है जब आपका एटीएम कार्ड इशू हो जाता है मुंबई की हेड ब्रांच की तरफ से, उसके बाद आपके घर के पते पर जो केवाईसी एड्रेस होता है उस पर सेंड किया जाता है और आपके 2 ऑप्शंस मिलते हैं चुनने के, जब भी आप अप्लाई करते हैं उसमें से किसी भी एड्रेस को चुन सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आप अपने अगर होम ब्रांच को चुनते हैं काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि होम ब्रांच और जो इंडियन पोस्ट है होते हैं उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि इंडियन पोस्ट वाले पोस्टमैन जो डिलीवर करने होते हैं वो पिन कोड के हिसाब से डिलीवर करते हैं, अगर मान लीजिए आपका पिन कोड भी एक ही उसके पास सिर्फ आपका डेबिट कार्ड ही पहुंचा तो वो डिलीवर करने नहीं जाएगा, कई लोग पहुंचा भी देते हैं लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि पहुँचा नहीं पाते हैं किसी कारणवश, तो ऐसा होता है कि उनका जो रिटर्निंग एड्रेस होता है वो होम ब्रांच भी हो सकता है या आपका जो हेड ब्रांच है वो ब्रांच भी हो सकता है, इन दोनों ब्रांचों में कोई भी ब्रांच हो सकता है रिटर्निंग एड्रेस, इसीलिए आप लोग को मैं रेकमेंड करूँगा आप अपने जो आपका होम ब्रांच होता है उसमें आप इसी ऑप्शन चुनिए, उसके बाद जो आपका डेबिट कार्ड है वो ऑटोमेटिकली आपके होम ब्रांच में आएगा, उसके बाद आप कभी भी होम ब्रांच में जाके पता लगवा सकते हैं आपका डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड वो काफ़ी जल्दी आसानी से मिल जाएगा। आई होप कि आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।